है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिफरेंस चेक करेंगे जो कार वॉशिंग क्लॉथ आता है उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, नॉर्मल क्लॉथ में और माइक्रो फाइबर क्लॉथ में क्या क्या डिफरेंस आता है। तो गाइस, काफ़ी लोग होते हैं जो अपनी कार वॉश क्लॉथ में इतना ध्यान नहीं देते और जो क्लॉथ मिलता है उसी से वो वॉश कर लेते हैं। गाइस, हमारे पास एक तो ये नॉर्मल क्लॉथ है और एक गाइस ये जो पर्सनली जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ आता है कार वॉश के लिए वो ये है। आज हम चेक करेंगे माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है उसके बेनिफिट्स और जो नॉर्मल क्लॉथ होता है उसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। गाइस, मैंने अपनी कार को काफ़ी दिन से वॉश नहीं किया है, ना इस पर कपड़ा मारा है। तो गाइस, इसमें देख सकते हो ईजीली इस पर डस्ट दिखाई दे रही है। तो मैं पहले नॉर्मल क्लॉथ से जो ड्राई सैंड है, देखो गाइस, मैं ये नॉर्मल कपड़े साफ़ कर रहा हूँ डस्ट, उसके बाद भी डस्ट है ये क्लियरली बिल्कुल साफ़ नहीं हुई है। और मैं बता दूँ गाइस, ये मैंने रैप कर रखा है, रैप के ऊपर मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। मैं आपको जो ये गाड़ी का पेंट है उस पर भी डेमो दूंगा बाद में, बट फिलहाल अभी ये जो ब्लैक रैप है इस पर डस्ट ईजिली दिखाई दे रही है। तो नॉर्मल कपड़े साफ़ करते हैं तो ये सैंड अभी भी रह रही है, इसके अंदर मिट्टी अभी भी दिखाई दे रही है, ये प्रॉपर अच्छी तरह नहीं हुई। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, गाइस, अगर नॉर्मल कपड़े से आप साफ़ करते हो, अभी तो फ़िलहाल ये मैंने रैप है, अगर आप अपनी बॉडी पेंट पे नॉर्मल कपड़े से ऐसे डस्ट को साफ़ करते हो तो डस्ट तो प्रॉपरली साफ़ होगी नहीं, बट होगा क्या, अगर आपकी वाइट कलर की कार है तो इस पे इतना विजिबल नहीं होता, लेकिन अदर कलर की जो कार होती है उस पर टाइम के अकॉर्डिंग आफ्टर 1-2 ईयर के बाद ईजीली आप स्वेल मार्क्स देख सकते हैं। इसमें इतने नहीं विजिबल नहीं होंगे क्योंकि वाइट कलर है, वाइट कलर में इतनी विजिबल नहीं होते हैं। अगर इसके जगह ब्लैक कार होती तो और आप डेली डे टू टाइम इसको नॉर्मल कपड़े से साफ़ करते तो उसमें धीरे धीरे स्वेल मार्क्स पड़ने चालू हो जाते और वो कुछ टाइम बाद इजीली विजिबल होते। वो जैसे कि गाइस, ये आप नोटिस करते हो रैप है, रैप के ऊपर भी स्क्रैच आराम से विजिबल हो रहे हैं। इसी तरह अगर आपकी अदर कलर में कोई कार होती वाइट के अलावा तो उसमें भी ऐसे स्वेल मार्क्स आराम से दिखाई देते और टाइम के अकॉर्डिंग वो पेंट आपका डल पड़ना चालू हो जाता। अब मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से डस्ट वाइप करके दिखाता हूँ। ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है जो पर्सनली कार वॉश के लिए बना होता है तो और कार के लिए बना होता है और इसमें कई कंपनियों के आते हैं ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ, कोई 3M का आता है वो आता है, लेकिन इसमें कोई मैटर नहीं करता, माइक्रोफाइबर क्लॉथ होना चाहिए कार के लिए। तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ क्या करता है गाइस, जैसे ये डस्ट पड़ी है मैं इसको वाइप करता हूँ, तो गाइस ये देखो वाइप करने के बाद जो एरिया है वो क्लीन हो गया है, इतना क्लीन नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत गंदी है, इसमें बारिश भी आ चुकी है और ड्राई सैंड भी है तो ये इतनी अच्छी तरह साफ़ नहीं हुई, लेकिन नॉर्मल कपड़े के कंपैरिजन में ये काफ़ी साफ़ हो चुकी है। और इसका माइक्रोफाइबर क्लॉथ का बेनिफिट क्या है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है इसी तरीके से डिज़ाइन होता है, इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल होता है वो अंदर ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ये वापस से, ताकि इस पर स्वेल मार्क्स ना पड़े और स्वेल मार्क्स से गाड़ी बच जाए। और गाइस, मैं दिखा सकता हूँ जो डस्ट पार्टिकल जो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, अगर आप इसको ऐसे करोगे तो आपको अच्छी तरह इजीली नोटिस होगा। गाइस, अब मैं नॉर्मल कपड़े से, इस वाले कपड़े से मैं पीछे का मिरर साफ करता हूँ, तो देखो गाइस, इसमें प्रॉपरली ठीक से क्लीन नहीं कर पाया इस मिरर को और पीछे मिट्टी रह गई है, इसने कोई एब्जॉर्ब नहीं किया डस्ट पार्टिकल और ये नाइट ठीक से क्लीन कर पाया। अब मैं इसको पीछे के मिरर को माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ करता हूँ। गाइस, मैंने यहाँ तक नॉर्मल कपड़े साफ़ कर दिए, अब मैं इसको इस वाले जो एरिया को है इसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ कर दिखाता हूँ। देखो गाइस, ये पूरी जो डस्ट पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, पीछे नहीं छोड़ रहा कुछ भी, देखो, जबकि नॉर्मल क्लॉथ पीछे डस्ट पार्टिकल छोड़ देता है और अपन उसी को वाइप करते रहते हैं ऊपर नीचे, तो गाड़ी के पेंट बॉडी में स्वेल मार्क्स पड़ने चालू हो जाते हैं टाइम्स के अकॉर्डिंग और एक टाइम में जाके वो काफ़ी नोटिस होते हैं।
और गाइस आप ऐसे माइक्रोफाइबर क्लोथ से इसको ड्राई सैंड को वाइप करके फिर ऐसे बीच बीच में इसको ऐसे झड़का के जो डस्ट पार्टिकल है फंसे हुए हैं मोटे वो दूर कर सकते हो, फिर वापस से इसको यूज़ ले सकते हो। अब गाइस बारी आती है इसको अगर अपन कार वॉश करते हैं उसके बाद थोड़ा कार की बॉडी पे थोड़ा बहुत पानी रहता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, अब उनको वॉश करके देखते हैं कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ वाटर को कितना एब्जॉर्ब करता है नॉर्मल कपड़े के कंपैरिजन। मैं इस पे पानी स्प्रे करता हूँ। गाइस मैंने पानी इसके ऊपर स्प्रे कर दिया है। अब मैं पहले इसको पानी को नॉर्मल कपड़े से जो ये रहने वाला है इसको सुखाने की कोशिश करता हूँ। देखो गाइस इसने पानी साफ कर दिया है लेकिन अभी भी देखो ये ऐसे इसमें निशान पड़ गए हैं और अब प्रॉपर तरीके से पानी को सुखा नहीं पाया है। और गाइस अगर मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अगर इस वाले मिरर को साफ करता हूँ तो देखना तो गाइस आप देख सकते हो जो पानी का स्पॉट होता है इस वाले मिरर में कहीं पे भी नहीं है, ये पूरी तरह से इसने पानी एब्जॉर्ब करके और जो पानी का स्पॉट होता है वो पूरा साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे गाइस ये देखो नॉर्मल कपड़ा इसके पानी के स्पॉट अभी भी दिखाई दे रहे हैं इसमें धब्बे देखो। तो गाइस यही बेनिफिट है माइक्रोफाइबर का, एक तो आपको स्वेल मार्क्स से बचाता है अपनी आपकी गाड़ी को और दूसरा अच्छी तरह क्लीन करता है और इसमें कोई भी वाटर स्पॉट नहीं रहता कार वॉश करने के बाद। तो गाइस यही थी वीडियो। और गाइस ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ इजीली ये फ्लिपकार्ट अमेज़न पे अवेलेबल हो जाता है और ये पैक आता है 4-5 पीसेस का पैक आता है और ये 350 के अप्रोक्स आता है। तो गाइस मैं यही रिकमेंड करूँगा। और माइक्रोफाइबर में काफ़ी सारे आइटम आते हैं, माइक्रोफाइबर ग्लव्स भी आता है जो ग्लव्स पहन के आप कार का कुछ भी पार्ट साफ कर सकते हैं और कोई भी नुकीली चीज़ होती है उससे आपके हैंड को बचाता है और आप ग्लव्स को पहन के अच्छी तरह इजीली जहाँ भी आपका माइक्रोफाइबर क्लॉथ ये नहीं पहुँचता है और आप हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ पे वो ग्लव से आप साफ़ कर सकते हैं। और एक माइक्रोफाइबर ब्रश भी आती है जिससे टायर वायर साफ करने के लिए। तो गाइस मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ जाके परचेज़ कर सकते हैं, ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट आराम से अवेलेबल हो जाते हैं। जो भाई लोग अपनी कार से प्यार करते हैं और जिनके दिल के करीब होती है मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप अपनी कार को वॉश करें और डस्ट साफ करें तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज़ करें, ये आपकी कार को हमेशा सेफ रखेगा और सेल मार्क से बचाएगा। आई होप गाइस आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और गाइस ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी कार से रिलेटेड।